बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके दस्तरखानों में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपको गजरेला बनाना सिखाऊंगी। इसको गाजर की खीर भी कहते हैं। मैंने गाजरों को अच्छी तरह वाश कर लिया है और इसको मैंने छुरी से इसकी जड़ें वगैरह सारी मैंने साफ़ कर ली है। तो अब मैं इसको मशीन में ही इसको मैं करूँगी। यह देखा अभी बस मैंने गाजरों को एक बार फिर धो दिया है। अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसको ये रिश्ते में डाल दिया है। ये इसको थोड़ा सा भून के अच्छी तरीके से, तो फिर मैं इसमें दूध डालूँगी। इसका जो अस्तरा पानी सारा खुश करके, तो फिर मैं दूध डालूँगी। चावलों को देखें, चावल जो है मैंने भिगो दिए हैं। और ये देखें, ये नए चावल हैं मेरे, और आधा कप मैंने इसको भिगो दिया। तो आप ये देखें, दो तीन घंटे के लिए इसको हाथ से मसल के, तो ऐसे फिर आपने इसको उबाल लेना। ठीक है, आप चाहें तो बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से बॉईल करके तो इसके अंदर डाल दूँगी। ये ओलपर का 1.5 किलो का पैकेट है, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि ओलपर से ये दूध काफ़ी गाढ़ा होता है और इससे ये गजरेला बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी हलवाई स्टाइल में, जैसे हलवाई कैसे बनाते हैं, तो उनकी कुछ सीक्रेट्स चीज़ें हैं वो बताऊंगी आपको मैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और 1.5 किलो ये है दूध है, और 2 किलो ये मैंने बॉयल किया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है, और ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। ये देखें, चावल मैंने बॉयल कर लिए और इनको मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। ठीक है, अब ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब इसको मैं आस्ता चूल्हे पे पकने दूंगी और साथ साथ चमचा हिलाती रहूंगी ताकि नीचे से ना लगे। ये देखें, ये मलाई है, एक और इसमें जमा की थी। ये और ये 2 कैफे के पैकेट हैं, ये मैं ना 2 इसको पाउडर फॉर्म में करके तो इसको इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, ये चीनी है, तो इसको मैंने अपने पान में रखा, थोड़ा सा कैरमल करके ये मैं इसमें डाल दूँगा। बिल्कुल चूल्हा आस्ता रखना, चूल्हा तेज़ नहीं करना, ये फ़ौरन जल जाएगी और जले हुई चीनी की बहुत स्मेल आती है। चूल्हा आस्ता रख के आपने इसको कलर लाना है आस्ता चूल्हे पे। ये देखें, इसमें कलर आ चुका है, ये देखें। ठीक है, ये अब मैं इसके अंदर ही मलाई डाल रही हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर सारा डाल दिया और इसको चूल्हा ऑन करना है आपने, इसको मिक्स करना है इसके अंदर। ये देखें, बिस्किट का मैंने इस तरह ये चूल्हा कर लिया और इसको मैंने यूं ही ये इस दूध में डाल के थोड़ा सा इसको अच्छी तरह मैंने इसके साथ मिक्स कर लिया। आपको अच्छी तरह मिक्स करके तो आपने ऐसे इसमें डाल देना। और ये देखें, ये दूध के साथ मैंने ये मिक्सर बनाया था, ये बिस्किट सारे मैंने इसके अंदर ये अच्छी तरह मिक्स किया मैंने इसको और इसके अंदर डाल दिया मैंने। ये देखें, अब मैंने चूल्हा आस्ता किया, अब इसको आस्ता चूल्हे पे पकने देती हूँ। अब बिल्कुल आस्ता चूल्हे पे इस स्टेज में आप चीनी चख लें, अगर आपको कम लग रही है तो आप और डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने तकरीबन 3.5 किलो के करीब, 4 किलो के करीब दूध डाला है इसमें, और ये 1.5 किलो गाजरें थी। चीनी मैंने इसमें 1.25 कप डाली है बस। चीनी आप अपने हिसाब से चख के तो और डालें। ठीक है,
ये देखें मेरी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है साइडों पर, ये देखें मलाई आ चुकी है इसकी, ये देखें बिल्कुल मेरी खीर तैयार है। और ये मैंने एक मिक्स लिया है, इसको अच्छी तरह से आपने एक से दो मिनट ऐसे करना है। ये देखें ये मलाई मेरी खीर अब बिल्कुल, ये गजरेला तैयार हो चुका है, इसको गाजर की खीर भी कहते हैं, गजरेला भी कहते हैं। और ये बिल्कुल तैयार है। और ऐसे मैंने बादाम है ये रखे हुए हैं थोड़े से, ये मैंने कुछ पानी में, और ये बादाम है कुछ मैंने पानी में भिगो के रखे हुए गर्म पानी में, ये ऊपर मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। देखें वीवस खीर मेरी बिल्कुल डन हो चुकी है। ये देखें वीवस मेरा गजरेला बन के तैयार हो चुका है, और मेरे तीन बोल बने, एक ये बोल ये बना है और एक ये, इसके अलावा एक और भी बना है छोटा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।